नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, जैसा कि आपको ये हमेशा ही समझाया जाता है कि अपने गाड़ी को थोड़ा कम रफ्तार में चलाएं ताकि आपके साथ साथ सामने वाला भी सेफ रहे। लेकिन यहाँ के कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये सब समझ में नहीं आता है। उन्हें लगता है ये सड़क जो है वो उनका अकेले का है और इसीलिए वो इस पर अपने गाड़ी को उड़ाते हुए चलते हैं, फिर चाहे उससे किसी का नुकसान हो या जान चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आए दिन आपको ऐसे लोग देखने को मिल जाते होंगे जिनके ऐसे लापरवाहियों की वजह से दूसरों का नुकसान होता है। आज जो महिंद्रा XUV 300 और बाइक का एक्सीडेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो भी कुछ ऐसा ही है जिसे कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज़ सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ है और इसका बाकायदा वीडियो भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में XUV 300 ने एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिसके बाद बाइक सवार दो लोग नीचे गिर गए। ये टक्कर काफी तेज रफ्तार में हुआ, हालांकि थैंकफुली दोनों ही लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई, वो माइनर इंजरीज के साथ सेफ हैं। लेकिन उनकी बाइक कार के नीचे फंस गई थी और XUV का ड्राइवर उसे करीब 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए लेकर चला गया। आप देख सकते हैं बाइक कैसे गाड़ी के नीचे फंसी हुई है, जिससे बहुत ही ज्यादा चिंगारी भी निकल रही है। वीडियो कुछ बाइकर्स ने बनाया है जो XUV को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ड्राइवर किसी की नहीं सुन रहा था, वो बस गाड़ी भगाया जा रहा था। हालांकि लास्ट में किसी तरह इन्हें रोका गया और पुलिस के हवाले किया गया और अब भाई जेल में बंद है। तो आप देख सकते हैं किन किन तरह के लोग सड़क पर चलते रहते हैं। इनको ना अपने जान की परवाह होती है और ना ही दूसरों की। इन लोगों पर वाकई में सख्त एक्शन होना चाहिए ताकि आगे ऐसी चीज़ें ना हों।